हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले ये पूरे हफ्ते का हम देख लेते हैं, और सबसे पहले राइट साइड का बॉक्स देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा कल ज्यादा डाउन हुआ था, निफ्टी 0.15% था और स्मॉल कैप 0.84% प्लस था। जो स्मॉल कैप नॉर्मली नेगेटिव रहता है वो प्लस था येस्टरडे की क्लोजिंग से। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी को। निफ्टी का अगर आप वीकली देखेंगे तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, मंथली भी अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, एंड डेली ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। सो लास्ट 4 दिन से अप गया था, आज आपने देखा वो नॉर्मली फ्लैट टू नेगेटिव है। सो क्या बाजार पुल बैक कर सकता है? दैट इज अ वन पॉसिबिलिटी। क्या बाजार यहाँ पे टाइम करेक्शन करे एंड फिर ब्रेकआउट आए? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? अब ये 24,000 जो क्रॉस हुआ है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये 24,000 मोटा मोटी जब तक ब्रेकडाउन बड़ी तरह से नहीं होता है ना, तो ये एक अच्छा माना जाएगा। क्योंकि जब भी बाजार, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 23,000 क्रॉस किया, एग्जांपल राइट, ये देखो यहाँ एक बार, और फिर जैसे ही यहाँ पे सस्टेन हुआ तो 23 का 24 आया। तो सेम वे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 100, 200, 500, 1,000 नंबर्स, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है, राइट? सो इधर अगर बाजार यहां से 25,000 जाना है तो मे बी एक पुल बैक कर सकता है, या तो यहाँ पे टाइम करेक्शन करें फिर ब्रेकआउट है। या सो अब सबसे पहले देखते हैं जो लेवल्स मैंने मार्कडाउन करके रखे हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट लेवल है 23,970 और 930, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 23,845। सो बाजार ये जोन में कहीं ना कहीं अगर आता है और फिर ऊपर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लो रिस्क बन सकती है, और उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा 24,130 ऊपर में, मतलब 24,100 से 130 तक ऊपर जा सकता है, एंड फिर उसको ऊपर में क्रॉस कर दिया तो फिर अगेन जर्नी टुवर्ड्स अ ऑल टाइम हाई। अगर बाजार इसको ब्रेक डाउन करता है 23,930, 970 को, तो नीचे में 23,840, 830, 850 का जोन है, जो बहुत एग्रेसिव जाने का जोन होगा। एक बार अगर मान लो यहाँ पे गलती से मिलता है फिर सस्टेन होकर ऊपर जाता है तो वहां पे एग्रेसिव लॉन्ग हम जा सकते हैं, राइट? एंड उसके नीचे में फिर 23,767 लेवल है, बट अभी हम ये एरिया को कोशिश करेंगे टारगेट करने की। एंड फिर बाजार अगर वहां से ब्रेक डाउन होता है तो नीचे में 23,380 सीधा जोन है। तो एज ऑफ नाउ कल के लिए जो मैंने आपको बताया, आप ध्यान रखिए 23,970, 980 से 23,930 का ये जोन है। कहीं पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले तो लुक फॉर अ लॉन्ग। द प्रॉब्लम जो अभी दिख रहा है मेरे को वो मैं आपको अब बताता हूँ। देयर इज अ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, एंड फिर ब्रेकआउट हुआ, एंड फिर अभी पुल बैक हो रहा है थोड़ा। सो क्या बैंक निफ्टी एक ऐसा ही पुल बैक है जो अभी हमने यहाँ पे देखा और फिर ब्रेकआउट हुआ? ये ऐसा ही पुल बैक एंड फिर ब्रेकआउट, राइट? तो एज ऑफ नाउ तो हम वही मान सकते हैं। सो जो लिटिल बिट कंसर्न है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, वीकली आप अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा क्लोजिंग है, एक 1.32% प्लस है, मंथली भी ऑल टाइम हाई है, डेली नियर टू ऑल टाइम हाई है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब मैंने ये जोन आइडिया, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे अभी ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंगली क्या ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है माइनो टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे लो ब्रेक है? तो कल अगर बाजार यहां से फास्ट पुल बैक करता है ये एरिया से, तो आप समझ लो ये फेक आउट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है 52,000 से 52,050, ये जोन में अगर आपको मिलता है कहीं से तो यू कैन गो वेरी एग्रेसिव लॉन्ग, राइट? सो नाउ फॉर टुमारो आपने को ये देखना है कि यहाँ पे कितना टाइम ज्यादा टिकता है, नहीं टिकता बैंक निफ्टी। फिर ऊपर में जैसे ही जाएगा तो ये एक जोन है जहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 52,660, 670, एंड ऊपर में 52,820, 850। जैसे ही इसके ऊपर जाके फिर से निकल गया और फिर सस्टेन करके ऊपर गया तो फिर से अगेन जर्नी शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर वो ब्रेकआउट को फेल कर दिया, फिर सस्टेन रहा, देन सेलिंग आया। तो ये सेलिंग अब आगे इसके नीचे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, राइट? इसके नीचे कंटिन्यू हुआ तो देन इट इज अ डिफिकल्टी। 1 मिनट। सो अभी हमें ऑब्जर्व करना है जो मैंने आपको बताया, ये जो रिसेंट सेलिंग आया है, मैं अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन मैंने आपको बताया 52,051,800, बेसिकली ये जोन में मैं एग्रेसिव लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में।
क्योंकि जहां से ब्रेकआउट भी हुआ था और जहां पे मुझे लगता है बायर्स एग्रेसिव हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये हुआ ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश की और वहां पे एग्जैक्टली सेलिंग भी वापस आ गया, और फिर वो जो सेलिंग का एरिया था ना उसको बाजार क्रॉस नहीं कर पाया कहीं ना कहीं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो, और फिर वहां से ब्रेक डाउन आया। तो अब वी डोंट वॉन्ट समथिंग लाइक दिस ईयर ऑल्सो, राइट? एंड फिर अगेन ब्रेकआउट, तो फिर सेलर्स कंट्रोल लेना शुरू कर देंगे। वी वॉन्ट नाउ ये जो सेलर्स यहाँ पे से आए हैं ना, उनको बाजार चैलेंज करना चाहिए अगर बाजार को यहाँ से ट्रेड करना है। सो आई होप यू आर क्लियर दैट कैसे अप्रोच करना है मार्केट को। सो लेट्स सी मंडे बाजार कैसे रिएक्ट करता है। नाउ स्मॉल कैप, स्मॉल कैप हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं, एक कूल डाउन जरूरी है, एक टाइम करेक्शन जरूरी है। तो एग्जैक्टली बाजार अभी टाइम करेक्शन कर रहा है, क्या ये टाइम करेक्शन कंप्लीट करके फिर से तेजी कर देगा या एक पुल बैक करके फिर तेजी करेगा, राइट? सो वो तो नेक्स्ट फ्यू डेज बताएंगे, तो उसको ज्यादा एज ऑफ नाउ द इट इज अ टाइम करेक्शन, राइट? ये जो बड़ा सा आपको सेलिंग कैंडल आया था, राइट, बाजार कहीं ना कहीं उसमें ट्रेड कर रहा है। सो क्या यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा? वी डोंट नो, राइट? सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप, उसमें कोई डाउट नहीं है। मंथली ट्रेंड अप है, वीकली अप है, डेली अप है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड टाइम करेक्शन हो रहा है। काफी लोग बोले कि ये डबल टॉप बन जाएगा या ये टॉप आउट हो गया और फिर ब्रेकडाउन, मुझे नहीं आइडिया है। आई एम हियर टू जस्ट फॉलो वॉट मार्केट इज डूइंग। मार्केट इज राइट नाउ टाइम पास कर रहा है, करेक्शन, टाइम करेक्शन कर रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग, वो हेल्दी रहेगा। अब आपको ऐसा अगर फेज देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? तो ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम? मल्टीपल टाइम्स हुआ है बट मैं आपको रिसेंट बताता हूँ अगेन। या सो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सेम सिनारियो, मार्च 2023 यहां पे करेक्शन आया, फिर बाजार सडनली कंटिन्यूअस डे बढ़ता गया, राइट? फिर उसके बाद आप देखिए ये बाजार ने टाइम करेक्शन किया 4-5 दिन, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ लो यहां से, आप ये हाई पकड़ लो और ये हाई पकड़ लो, ऑलमोस्ट सेम है, राइट? मल्टीपल डेज आई थिंक टाइम पास किया देन रैली। सो इट्स अ मार्केट का नेचर है, अगर आप ऑब्जर्व करके देखो, यहाँ पे टाइम करेक्शन किया, राइट, देन अप ट्रेंड, फिर एक पुल बैक किया, फिर अप ट्रेंड, फिर यहाँ पे टाइम करेक्शन, आप देखो ये रहा, फिर तेजी। या सो दैट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट, एंड मार्केट ऐसा करता ही रहता है बार बार। सो काफी बार हमेशा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा पुल बैक हो जाएगा, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। बाजार ऐसे भी करेक्शन करके फिर तेजी कर सकता है। आई होप यू आर ऑल ओके, एंड जो मार्केट कर रहे हैं उसके साथ जस्ट कीप एडजस्टिंग योर सेल्फ एंड कीप डूइंग इट। या सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों को फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं।